الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن الإنسان ليطغى ये सूरतुल अलक की 6 नंबर की आयत करीमा है। अल्लाह ताला के पाक इरशाद का खुलासा ये है कि सच बात ये है कि इंसान हद से निकल जाता है। दूसरा तर्जुमा होता है खुल्लम खुल्ली शरारत करता है। अर्रआहु इस्तगना, क्योंकि उसने खुद को बेनियाज मालदार समझ लिया है। इन्ना इला रब्बिकर रुजआ, यकीनन तुम्हारे रब ही की तरफ सबको लौट कर जाना है। अरअयतल्लज़ी यनहा, क्या तुमने उस शख्स को देखा जो एक खास बंदे को रोकता है। अबदन इदा सल्ला, जबकि वो बंदा नमाज पढ़ता है। और अरअयत इन कान अलल हुदा, भला बताओ अगर वो नमाज पढ़ने वाला बंदा सही रास्ते पर कायम हो। औ अमर बित्तक्वा, या तक्वा सिखलाता हो तो क्या उस नमाज से रोकना जुल्म नहीं है। अरअयत इन कज़्ज़ब वतवल्ला, भला ये भी बताओ कि अगर वो रोकने वाला हक को जुठलाता हो और मुंह फिराता हो। अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा, क्या उस शख्स को मालूम नहीं है कि अल्लाह ताला देख रहे हैं। कल्ला लइल्लम यन्तही लनस्फअन बिन्नासिया, नमाज से हरगिज रोकना नहीं चाहिए, अगर वो रोकने वाला बाज नहीं आया, रुक नहीं गया, तो हम उसको पेशानी के बाल पकड़ करके घसीटेंगे। नासियतिन कादिबतिन खातिआ, वो पेशानी जो गुनहगार है और खताकार है। फलियदउ नादिया, सो वो अपनी मजलिस वालों को बुला लेवे। सनदउ ज़बानिया, हम ज़बानिया को बुला लेंगे। ये जहन्नम के सख्त फरिश्तों का लकब है ज़बानिया। कल्ला ला तुतिउहु वस्जुद वक़तरिब, हरगिज नहीं उसकी बात न मानो। जैसे आज तक बात नहीं मानी, आइंदा भी उसकी बात मानना नहीं चाहिए। और अल्लाह के सामने सजदा करो और उस अल्लाह ताला का कुर्ब यानी नज़दीकी हासिल करो। ये 19 नंबर की आयत के ऊपर सजदा है, इसीलिए जितने भी हजरात माँ बहन लाइव सुन रहे हैं वो तमाम इस आयत के ऊपर एक सजदे तिलावत कर लेवे।
ये शरीयत का मसला है। और हदीस पाक से यहाँ पर सद्दा करना साबित है। अब इन आयतों के अंदर जो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो बातें पेश आई उसको अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। इंसान जब तक दूसरे का मोहताज रहता है वहां तक सीधा सीधा चलता है, और जब उसको ये ख्याल हो जाए कि मैं किसी का मोहताज नहीं हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तो उसके अंदर शरकशी और दादागिरी आ जाती है। ये इंसान का अजीब व गरीब हाल अल्लाह ने इस आयत में बयान फरमाया। ये पहली पांच आयत के उतरने के बाद जो छठे नंबर की आयत है वहां से पूरी सूरत एक लंबे जमाने के बाद अल्लाह ताला के यहां से आई। और इन आयतों में जिन्होंने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की थी उन लोगों का बहुत बुरा अंजाम बयान किया गया कि नबी की मुखालफत करना ये बहुत बुरा और बहुत खतरनाक काम है। अब इसमें बयान किया गया पहली अहम बात जो सबको समझने की है कि इंसान जब ये समझता है कि मुझको किसी की ज़रूरत नहीं है तो ऐसे वक्त पर इंसान इंसानियत की हद से भी निकल जाता है और शरारत, दादागिरी, फितने करना शुरू कर देता है। दूसरी बात ये है कि जब वो ये समझता है कि मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तो दूसरों पर जुल्म करना शुरू कर देता है। यह अजीब इंसान का हाल है। और ये बात जहन में रखनी चाहिए कि इस तरह का ख्याल दुनिया में बहुत सारे मालदारों को आता है। जब उनके पास माल ज्यादा हो जाता है, दौलत ज्यादा हो जाती है, तो ये सोचते हैं कि हम किसी के मोहताज नहीं हैं और फिर दूसरों पर जुल्म करते हैं, दादागिरी करते हैं। नंबर दो, बाज लोग हुकूमत और इख्तदार के अंदर ये समझने लगते हैं कि हमको किसी की ज़रूरत नहीं है, हम किसी के मोहताज नहीं हैं, तो फिर उनके अंदर भी ये बुरी आदतें आना शुरू हो जाती है। नंबर तीन, जिनके पास औलाद ज़्यादा हो, जिनके पास नौकर चाकर खादिम ज़्यादा हो, वो भी ऐसा समझने लगते हैं। नंबर चार, जिनके पास दोस्तों की और उसकी गैंग और टीम बड़ी हो, तो ऐसे गैंगस्टर लोग, बड़ी टीम वाले लोग, बहुत सारे जिनके दोस्त होते हैं ऐसे लोग, वो भी यूं समझते हैं कि हम किसी के मोहताज नहीं हैं, हमको किसी की ज़रूरत नहीं है, तो फिर वो दादागिरी करेंगे, दूसरों के ऊपर जुल्म करेंगे। ये अजीब इंसान का हाल अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा के अंदर बयान फरमाया। तो इंसान जब तक दूसरों का मोहताज रहता है सीधा चलता है, और जब उसको ये ख्याल होता है कि मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ, तो फिर उसमें शरारत, तूफान, मस्ती, दादागिरी, जुल्म आने लगता है। हालांकि इंसान को एक बात ये सोचनी चाहिए कि अगर मखलूक में
किसी तरह का इस्तिगना हो, तो अभी खालिक यानी अल्लाह की तो हर एक को जरूरत है। यानी समझो कि इस दुनिया में मैं किसी का मोहताज नहीं हूं, चलो मान लो थोड़ी देर के लिए, हालांकि ऐसा भी हकीकत में होता नहीं है, फिर भी मान लो थोड़ी देर के लिए कि कोई यूं सोचे कि मैं दुनिया में किसी का मोहताज नहीं हूं, तो भी अपने पैदा करने वाले का, अपने मालिक का तो वो मोहताज है। और अल्लाह ताला की कुदरत के इहाते में घिरा हुआ है, अल्लाह की ताकत के अंदर है, और अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी सजा दे सकते हैं और आखिरत में मरने के बाद तो उसको सजा होने ही वाली है। और मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर अबू जहल, जो मक्का के कुरेशियों का सरदार था, बड़ा मालदार भी था, पूरे मक्का वाले उसकी इज्जत करते थे, उसकी बात मानते थे, इसीलिए उसके दिमाग के अंदर ये भूसा भर गया कि मैं सब कुछ हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए उसने तमाम नबियों के सरदार हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी की, गुस्ताखी की। तो आयत में अल्लाह ने इलाज बतला दिया, इन इला रब्बिकर रुजआ, यानी सबको अपने अल्लाह के पास लौट करके जाना है। जब मरेंगे तो मरकर अल्लाह के पास जाएंगे, अच्छे कामों का बदला अच्छा मिलेगा, बुरे कामों का बुरा बदला मिलेगा। और दुनिया के अंदर जो जुल्म किया, बेजा दादागिरी की, उसका बुरा अंजाम मरने के बाद उसको देखने को मिल जाएगा। तो ये इंसान अपने रब, अपने अल्लाह, अपने पैदा करने वाले का हर हाल में मोहताज है, उसकी मोहताजी तो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। और एक बात और समझो, इस दुनिया में रहते हुए कोई इंसान ऐसा नहीं कह सकता कि मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ। एक भी इंसान इस दुनिया में, जगत में ऐसा बतला दो कि वो यूं कहता हो कि मैं किसी का मोहताज नहीं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ये बात हो ही नहीं सकती। इसीलिए कि इंसान इस दुनिया में ऐसी जिंदगी में है कि वो अकेला कभी अपनी जरूरत पूरी नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने इस दुनिया का सिस्टम, दुनिया का निज़ाम ऐसा बनाया है कि कोई इंसान अकेला अपनी तमाम ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता। एक मिसाल लो, एक एग्जाम्पल लो, खाने का एक लुकमा, एक रोटी का टुकड़ा, चावल का एक निवाला वो अपने हाथ में लेवे, तो कभी उसने सोचा कि ये चावल का लुकमा, रोटी का टुकड़ा जो मेरे हाथ में आया, उसमें कितने इंसानों की मेहनत लगी, कितने जानवरों की मेहनत लगी, तब जाकर ये लुकमा मेरे हाथ में आया। किसान की मेहनत, पानी चलाने वाले की मेहनत, खेती काटने वाले की मेहनत, खाद और फर्टिलाइजर खातर बनाने वालों की मेहनत, फिर आटा पीसने वालों की मेहनत, रोटी बनाने वाले की मेहनत, कितनी मेहनत के बाद एक लुकमा आता है। है कोई इंसान दुनिया में यूं कहवे कि मैं अपने लुकमे के लिए किसी का मोहताज नहीं हूं, सब कुछ मेरा है? बिल्कुल नहीं हो सकता। कपड़ा ले लो, अपने ड्रेस ले लो, आदमी अपने कपड़े के मामले में, ड्रेस के मामले में दूसरों का मोहताज है। आपकी, आपके पास कपड़ा आया तो कभी सोचा कि कितने लोगों ने इस कपड़े के पीछे मेहनत की, कहाँ रुई खेती में हुई, कहाँ कपास बनी, फिर कौन सी जगह पर उसमें से जो है धागे बने, फिर कौन सी जगह उसमें से कपड़े बने, कहाँ उस पर जो है कलर हुआ, कितनी मेहनत के बाद एक कपड़ा हाथ में आता है।
तो कोई भी इंसान दुनिया के अंदर ये नहीं कह सकता कि मैं दूसरे किसी इंसान का मोहताज हूं, नहीं हूं, कोई नहीं कह सकता। हर एक इंसान दूसरे इंसान का मोहताज है। बल्कि मैं आपको एक बात बतलाऊं, अजीब बात, जो आज दुनिया में बड़े लोग हैं, जो यूं समझते हैं कि हम किसी के मोहताज नहीं, वो ही सबसे ज्यादा मोहताज है, वही सबसे ज्यादा जरूरतमंद है और सबसे बड़े मोहताज वही है। इसलिए कि एक गरीब आदमी को क्या चाहिए, दो रोटी दो लुकमे चावल के मिल गए, फुटपाथ पर सो गया, रेलवे स्टेशन पर सो गया, बस स्टॉप पर सो गया, गार्डन में सो गया, स्लम एरिया में झुपड़पट्टी में सो गया, उसकी जिंदगी गुजर गई। और जो अपने आप को बड़ा समझता है उसको हर चीज में दूसरों की मोहताजी, बंगला बनाने में मोहताजी, कार में मोहताजी, खाने पीने में मोहताजी, हर चीज में बड़ी मोहताजी। तो जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, बड़ा मानते हैं, वो दुनिया में बड़े मोहताज है, बड़े जरूरतमंद है। इसीलिए कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं बिल्कुल मोहताज नहीं हूं। ये इस आयत में अल्लाह ने बयान फरमाया। तो याद रख लो, तमाम इंसानों याद रख लो, हम में से हर एक इंसान अपने पैदा करने वाले मालिक का भी मोहताज है और हर इंसान दूसरे बहुत सारे इंसानों का भी मोहताज है। इसीलिए कभी इंसान को दादागिरी नहीं करनी, जुल्म नहीं करना, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करनी, हर एक के साथ अच्छा सुलूक करना चाहिए। ये इस प्यारी प्यारी आयत में अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं। आगे एक किस्सा अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं, अजीब किस्सा है। हुआ ये कि मक्का में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ में काबा के सामने जाकर नमाज पढ़ते थे, तो एक मर्तबा अबू जहल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखा तो कहने लगा, मैंने आपको यहां नमाज पढ़ने से बार बार मना किया है, यानी मैंने आपको पहले बार बार मना किया कि यहां काबा के सामने नमाज नहीं पढ़ने की, फिर क्यों आके नमाज पढ़ते हो। तो हुजूर ने उसकी बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, तो वो कहने लगा अबू जहल कि इस मक्का में बहुत बड़ी मेरी गैंग है, बहुत बड़ी मेरी टीम है, अगर जो आपने आइंदा यहां काबा के सामने नमाज पढ़ी और मैंने देख लिया तो आप जब सज्दे में जाएंगे तो आपकी गर्दन पर मैं पैर रख दूंगा, पांव रख दूंगा। ऐसी खतरनाक अबू जहल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धमकी दी। अब हुजूर क्या करते थे, काबा के सामने जाके अकेले नमाज पढ़ते, लेकिन वो तो धमकी दे रहा है अबू जहल हुजूर को काबा के सामने नमाज पढ़ने की, क्या आपके गर्दन कुचल दूंगा, आपकी गर्दन तोड़ दूंगा, आपकी गर्दन के ऊपर पैर रख दूंगा, आपको मैं ये कर डालूंगा। ऐसी अबू जहल ने धमकी दी। कुदरती बात देखो, एक मर्तबा हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे काबा के सामने, अबू जहल आया और उसने इरादा भी किया कि हुजूर के करीब में जावे और जाकर के हुजूर की गर्दन पर पैर रखे, नऊज़ु बिल्ला, हुजूर की गुस्ताखी करे, हुजूर की बेअदबी करे, नऊज़ु बिल्ला, और हुजूर की गर्दन मुबारक तोड़ देवे, ऐसा उसने इरादा भी किया। चला लेकिन हुजूर के नजदीक जाकर रुक गया और एकदम पीछे हट गया। लोगों ने पूछा कि अरे अबू जहल ये क्या हो गया, तू तो बहुत जोर में शोर में घमंड में तकब्बुर में दादागिरी में हुजूर के करीब जा रहा था,
अल्लाह के नबी के पास जा रहा था कि वो सज्दे में जावे तो उनकी गर्दन तोड़ दो, क्यों एकदम रुक गया और पीछे आ गया? तो अबू जहल कहने लगा कि जब मैं इनके करीब में गया तो मुझे आग की खाई नजर आई, आग की खंदक नजर आई कि मेरे और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में एक आग की भरी हुई खाई है, आग की भरी हुई खंदक है और उसके अंदर पर वाली चीजें मुझे नजर आई। जैसे परिंदों के पर होते हैं, पंख होती है जिसके जरिए वो परिंदे उड़ते हैं, तो कहा इस तरह पंख वाली पर वाली कोई चीज मुझे नजर आई, इसलिए मैं पीछे हट गया। बाद में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जो अबू जहल को नजर आया पंख वाली चीज पर वाली चीज, वो तो अल्लाह ताला के फरिश्ते थे। अगर ये अबू जहल आगे आता और हुजूर की नऊज़ु बिल्लाह गुस्ताखी करने जाता तो फरिश्ते आकर उसकी बोटी बोटी कर डालते, अल्लाह के फरिश्ते उसके टुकड़े टुकड़े कर डालते, उसको नोच डालते, उसको बिल्कुल ख़त्म कर डालते। ये खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। तो गोया के अबू जहल का नापाक इरादा अल्लाह ने पूरा नहीं होने दिया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमा ली, अबू जहल के फितने से हिफाजत फरमा ली, अबू जहल के जुल्म से अल्लाह ने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरे पूरी हिफाजत फरमा ली। यह हुजूर का एक जिंदा मौजजा था, एक जिंदा चमत्कार था जो अबू जहल को दिखाया गया। लेकिन भाई ईमान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, हिदायत अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है। इतना बड़ा मौजजा देखने के बावजूद भी अबू जहल ईमान नहीं लाया, उसी को अल्लाह ताला ने फरमाया अरअयतल्लज़ी यनहा, क्या तुमने उस शख्स को यानी अबू जहल को नहीं देखा जो हमारे बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ने से रोकता है? अबदन इदा सल्ला, हमारे बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ने जाते हैं तो वो रोकता है। देखो नमाजी को नमाज से रोकना बहुत बुरी बात है, बहुत अजीब बात है। कोई नमाज पढ़ता हो तो नमाज पढ़ने दो, नमाजी की नमाज में डिस्टर्ब मत करो, खलल मत करो, एक बात ये। और दूसरी बात ये है कि ये नमाज पढ़ने वाले कोई मामूली इंसान थोड़े ही थे, अल्लाह के नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अल्लाहु अकबर, हुजूर नमाज पढ़ रहे थे और अबू जहल हुजूर को रोकने गया। अब देखो यहाँ कंपेयर है, तकाबुल है आयत के अंदर, अरअयत इन काना अलल हुदा औ अमर बित्तक्वा, कि ये नमाज पढ़ने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अंदर कैसी कैसी खूबी थी, वो हिदायत के ऊपर है, सही रास्ते के ऊपर है। दूसरी खूबी है कि तकवा की तालीम लोगों को देते हैं, अल्लाह का डर लोगों को सिखाते हैं। ये दोनों चीजें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है, जात के एतबार से भी हिदायत पर और दूसरों को फायदा पहुंचाने के एतबार से लोगों को तकवा सिखाते हैं, लोगों को अल्लाह का डर सिखाते हैं। दोनों चीजें उनके अंदर बड़ी खूबी की है और दोनों चीजों का लिहाज करना चाहिए। और अबू जहल के अंदर तो बस बुराइयां ही बुराइयां दी। क्या बुराइयां दी?
अरअयत इन कज़्ज़ब वतवल्ला। एक तो ये अबू जहल जो हुजूर को नमाज पढ़ने से रोकता था वो नमाजी नहीं, अबू जहल नमाजी नहीं पढ़ता था। नंबर दो उसका अकीदा खराब कि उसके अंदर ईमान नहीं था, कुफर था। नंबर तीन उसके आमाल भी गंदे और बुरे और खराब। तो अबू जहल में तीनों चीजें खराब, नमाज नहीं पढ़ता, अकीदा भी बुरा है, आमाल भी बुरे हैं। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो खुद हिदायत पर है, दूसरों को तकवा की तालीम देते हैं, कितने फायदे वाले हैं। ये अबू जहल ने हुजूर की किसी चीज का लिहाज नहीं किया, हुजूर हिदायत पर है उसका लिहाज करते, हुजूर दूसरों को अच्छी बात सिखलाते उसका लिहाज करते, लेकिन इसने किसी चीज का लिहाज नहीं किया। अल्लाहु अकबर। आगे फरमाया अलम यालम बि अन्न अल्लाह यरा। सुभान अल्लाह, ये आयत बड़ी जबरदस्त आयत है। क्या उस शख्स को ये मालूम नहीं कि अल्लाह ताला उसको देख रहे हैं? अल्लाह ताला अबू जहल को देख रहे, उस रोकने वाले अबू जहल को अल्लाह देख रहे, अल्लाह ताला नमाज पढ़ने वाले अपने नबी को देख रहे हैं। सब चीज अल्लाह ताला के सामने है। अबू जहल जो नबी को रोकने गया वो भी अल्लाह को मालूम, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं ये भी अल्लाह ताला को मालूम। हर चीज अल्लाह ताला देख रहे हैं। इसीलिए अबू जहल को जो उसने नबी को नमाज पढ़ने से रोका उसकी सजा अल्लाह ताला जरूर देंगे। ये आयत हमेशा हमको याद रखनी चाहिए। अलम यालम बि अन्न अल्लाह यरा। अल्लाह ताला हमको देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं, पूरी तरह देख रहे हैं, अच्छी तरीके से देख रहे हैं। बाज लोग आके कहते हैं कि गुनाह नहीं छूटते, तो हम उनको कहते हैं कि ये आयत का हमेशा इस्तेजार रखो कि अल्लाह हमको देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं, हर हाल में देख रहे हैं, पूरी तरह देख रहे हैं। बल्कि तो मैं तो आप सबको कहता हूं कि आयत जो है ना सूरह अलक की आयत नंबर 14, उसको रोजाना 5 मिनट दिमाग में सोचो बैठकर। इसको मुराकबा कहते हैं, आंख बंद करके ध्यान लगाकर एक चित्त होकर के सोचना, ये मुराकबा कहलाता है। आप सबको मैं कहता हूं ये आयत नंबर 14 उसका रोजाना 5 मिनट मुराकबा करो। अलम यालम बि अन्नल्लाह यरा। यूं सोचो ये आयत में कि मेरे अल्लाह मुझे देखते हैं, मेरे अल्लाह मुझे हर वक्त देखते हैं, मेरे अल्लाह मुझे हर हाल में देखते हैं, मेरे अल्लाह मुझे पूरी तरह देखते हैं। इस चीज को ध्यान में रखो 5 मिनट रोजाना। फिर 5 मिनट से आगे चलेगा धीरे 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 धीरे, हमारे 24 घंटे इंशाल्लाह ऐसे हो जाएंगे कि हर वक्त ध्यान रहेगा कि अल्लाह सुबहानहू व ताला मुझे देख रहे हैं। जब ये ख्याल रहेगा तो गुनाह से बचना आसान, बुराई से बचना आसान, गंदे काम से बचना आसान, गुनाह छोड़ना आसान, बुराई छोड़ना आसान। जब अल्लाह देख रहे हैं इस बात का ख्याल आ जाएगा तो गुनाह से बचना बिल्कुल आसान हो जाएगा। कल्ला लइल्लम यंतहि लनस्फअन बिन्नासिया। क्या उस अबू जहल को चाहिए कि हरगिज हमारे नबी को नमाज पढ़ने से नहीं रोके? अगर उसने रोकने का काम नहीं छोड़ा तो हम उसको पेशानी के बाल पकड़कर खींचेंगे। देखो सामने वाले जो बाल होते हैं ना, वो किसी के हाथ में आ जावे तो आदमी हमारी पकड़ के अंदर आ जाए। इसलिए जो है बिन नासिया, चोटी के बाल पकड़ करके खींचना, सामने वाले बाल किसी के फीट और मजबूत पकड़ लेना, तो अल्लाह ताला उसको उसके पेशानी के बाल पकड़ करके घसीटेंगे। कहां? जहन्नम के अंदर, आखिरत के अंदर। तो गोया के अल्लाह की जब पकड़ आएगी तो वो मजबूर हो जाएगा
और फिर उसको कोई छुड़ाने और बचाने वाला नहीं होगा। और कैसा, नासियतिन काजिबतिन खातिया, उस अबू जहल की पेशानी, सामने वाले बाल, गुनेगार और खताकार, वो रात दिन गुनाह में अल्लाह की नाफरमानी के अंदर पड़ा रहने वाला आदमी, अजीब आदमी था। और उसने हुजूर को धमकी दी थी ना कि मेरी गैंग बहुत बड़ी है, मेरी टीम बहुत बड़ी है, तो अल्लाह ने उसको खुला चैलेंज दिया। फल यदउ ना दिया, वो अपनी मजलिस वालों को बुलावे, अपनी गैंग वालों को बुलावे, अपनी टीम वालों को बुलावे, बुला लेवे जिसको बुलाना हो, हमारे नबी को रोकने के लिए, हमारे नबी पर जुल्म करने के लिए हम किसको बुलाएंगे। सनदउ ज़बानिया, हम ज़बानिया फरिश्तों को बुलाएंगे। ज़बानिया फरिश्ते जहन्नम के बड़े सख्त फरिश्ते, बड़े ताकत वाले फरिश्ते, अल्लाह फरमाते कि हम उनको बुलाएंगे। ये क्या जो है हमारे नबी को रोकता है। आगे फरमाया, कल्ला ला तुतिहु वस्जुद वक्तरिब। लेकिन हुआ ये कि अबू जहल ने अपनी गैंग को नहीं बुलाया, अपनी टीम वालों को नहीं बुलाया, अपनी मजलिस वालों को नहीं बुलाया, इसीलिए अल्लाह ताला ने मलाइका को भी नहीं भेजा। रिवायतों में आता है कि अगर अबू जहल की गैंग वाले, उसके दोस्त, उसकी टीम वाले उसकी मदद करने के लिए आते तो जहन्नम के ज़बानिया फरिश्ते आते और सबकी नजरों के सामने अबू जहल को पकड़ लेते, खींच लेते और उसको तबाह बर्बाद कर देते, उसके टुकड़े टुकड़े कर देते। ये तो अच्छा हुआ कि उसने अपनी गैंग और टीम को नहीं बुलाया, वो पीछे हट गया, वरना उस दिन अल्लाह के फरिश्ते आकर के उसकी बोटी बोटी करके, टुकड़े टुकड़े करके उसको जो है बर्बाद कर देते। अजीब बात इस आयत में बयान की गई। और आखिर में फरमाया गया कि आप अबू जहल की बात न मानो, आज तक नहीं मानी, आइंदा भी मत मानो, और अल्लाह के सामने सजदा करो और अल्लाह ताला की नजदीकी हासिल करो, अल्लाह का कुर्ब हासिल करो। एक हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा सजदे में होता है तो अल्लाह ताला से बहुत नजदीक होता है। हाँ, सजदे में हम जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जमीन पर सर रख दिया, हालांकि उस वक्त बंदा अल्लाह ताला के बिल्कुल नजदीक होता है, अल्लाह के बिल्कुल करीब होता है। इसीलिए हदीस में फरमाया कि सजदे में अल्लाह से बहुत दुआ करो, सजदे में अल्लाह से बहुत दुआ करो। दूसरी हदीस में आया है कि सजदे की हालत में दुआ कबूल होने के लायक होती है, सजदे की हालत में दुआ कबूल होती है। इसीलिए नफिल नमाजें पढ़ो तो उसमें सजदे में दुआ करो। और कौन सी दुआ? जो दुआ कुरान में आई, जो 40 रब्बना है, कुरान की मुख्तलिफ दुआएं, जो दुआएं हदीस पाक में आई अरबी में, हुजूर की पढ़ी हुई दुआएं, वो सजदे में पढ़ सकते हैं नफिल नमाज में। फर्ज नमाज के अंदर सजदे में दुआ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फर्ज नमाज के अंदर तो जल्दी से फारिग होना है, इसीलिए फर्ज नमाज के अंदर सजदे में दुआ ना करो, बाकी नफिल नमाजों में दुआ मांगो। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफिल नमाज में दुआएं साबित है। अभी 15 शाबान गई, उस वक्त मैंने आपको हदीस सुनाई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे और हुजूर दुआ मांग रहे थे, तो मालूम हुआ कि नमाज में बंदा अल्लाह ताला के बिल्कुल करीब हो जाता है और अल्लाह के करीब जाने से अजमत हासिल होती है। और इस आयत ने हमको एक बहुत बड़ा सबक ये भी दिया कि कोई मुखालिफ, कोई दुश्मन किसी बात की धमकी देवे तो उसकी धमकी सुने बगैर अच्छे काम करते रहो, अच्छे काम में लगे रहो। आज दुनिया में बहुत सारे फितीन लोग हैं कि जो अच्छे काम करने वालों को रोकते हैं, तो ऐसे फितीन लोगों के
फितनों की तरफ ध्यान नहीं देने का, बल्कि इखलास से अपना काम करते रहने का। जैसे खुद अल्लाह ताला ने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि ला तुतिअहु, अबू जहल की बात मत मानो, अबू जहल की बात की तरफ ध्यान मत दो। लिहाजा ये हम सब के लिए बहुत बड़ा सबक है कि अबू जहल जैसे फितीन हर जमाने में होते हैं, ऐसे लोग अगर धमकी देवे तो उनकी बात सुनने की नहीं, उनकी बात मानने की नहीं, जो अच्छे और नेक काम करते हैं वो काम करते रहने का। अल्लाह ताला हम सबको आफियत अता फरमाए, हम सबको अल्लाह ताला राहत अता फरमाए। अभी घरों में बैठे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, तो बहुत ध्यान लगा करके नमाज पढ़ो, इत्मीनान से नमाजें पढ़ो। और ऐसे तो हम लोग जब लॉकडाउन नहीं होता है नमाज पढ़ते हैं तो जल्दी जल्दी फटाफट चटाचट नमाजें पढ़ डालते हैं। अभी लॉकडाउन है, घरों में बैठे हैं, बहुत ध्यान से इत्मीनान से नमाज पढ़ो, इत्मीनान से सद्दे करो, इत्मीनान से रुकू करो, और नफिल नमाज के सिद्दों में अल्लाह से दुआ भी मांगो। अरबी की दुआ जितनी भी याद हो, ये रब्बना आतीना तो याद ही होगी, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतं व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। और कुरान की हदीसे पाक की जो दुआ भी याद हो सिद्दे में मांगो, रो रो के मांगो, गिड़गिड़ा के मांगो। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाके अल्लाह से रो रो के दुआएं मांगते थे। बस दुआ हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और नमाज के जरिए से बंदा अल्लाह के करीब पहुंच जाता है, अल्लाह के नजदीक पहुंच जाता है। तो नमाजें अल्लाह ताला के प्यारे बनने का, अल्लाह के नजदीक जाने का बेहतरीन जरिया है। फर्ज भी पढ़ो, नफले भी पढ़ो, सुन्नतें भी पढ़ो। अभी कितना अच्छा चांस है कि तमाम नमाज आदमी पढ़ सकता है, सुन्नते मौकेदा, सुन्नते गैर मौकेदा, नफील, फर्ज, वितर, तहज्जुद, इशराक, चाश, अवाबीन, तहियतुल वुजू, नमाज शुक्राना, नमाज तोबा, हाजत की नमाज, सारी नमाजें पढ़ सकते हैं। बस अल्लाह की तरफ ध्यान दो, नमाज की बरकत से अल्लाह के नजदीक हो जाओ। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक और सआदत अता फरमाए। फिर से कह दूं, सब लोग आज अभी जिसका वुजू है वो अभी सीधा कर लेवे, वरना जब जोहर की नमाज पढ़ेंगे तो उस वक्त के ऊपर सब लोग एक सजदा कर लेना। अल्लाह ताला हम सबको अपना कुर्ब और नजदीकी अता फरमावे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।